नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। हाल ही में मैंने अमेजोन से एक जीपीएस डिवाइस परचेस किया है जो है वन लैब कंपनी का। ये वन लैब कंपनी का पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है और इसका आज हम कंप्लीट टेस्टिंग करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट टेस्टिंग, ये कैसा है, इसे कैसे सेटअप करते हैं, साथ ही साथ इसके आप क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, तो आपको इस वीडियो में आप सब कुछ बताएंगे। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो इस प्रकार की पैकिंग में आता है। यहाँ पर देखिए गो पोर्टेबल जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लिखा गया है। यहाँ पर वन लैब का लोगो है और इसमें आपको 10,000 एमएएच की बैटरी मिलती है। तो इसके अंदर देखते हैं अभी क्या है। तो ये देखिए इस प्रकार से बबल रैप में प्रोडक्ट जो आता है आप देख सकते हैं। इसका जो साइज़ है दोस्तों बहुत छोटा है। मतलब ऑलमोस्ट जो होगा ना, ये एक छोटा जैसा साबुन वगैरह होता है उस साइज़ का ही है। पर जो क्वालिटी दोस्तों प्लास्टिक मटेरियल की, इस मटेरियल की क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लगा मुझे। और यहाँ पर वन लैब का लोगो है और एक थोड़ा टेक्स्चर मिल जाता है आपको। इस साइड में ऑन ऑफ करने का कंट्रोल आप देख सकते हैं। ये जैसे हम इसे ऑन करेंगे, ओके, तो ये देखिए इसके यहाँ पर एक सेक्शन दिया है जहाँ पर आपको लाइट्स वगैरह दिख जाएंगे। इसके देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पर बैटरी इंडिकेशन लाइट है, यहाँ पर जीपीएस इंडिकेशन लाइट है और यहाँ पर कितना नेटवर्क आ रहा है उसका यहाँ पर आप लाइट देख सकते हैं। साथ ही साथ नीचे यहाँ पर आपको एक सिम कार्ड स्लॉट मिलता है जो कंपनी तरफ से डायरेक्टली आता है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड यहाँ पर इसमें दिया है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो सिम कार्ड है ये कंपनी तरफ से प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड इसमें दिया जाता है। और ये देखिए ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ सील है दोस्तों, काफ़ी मजबूत भी है और जो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड ऐसा लगता है, काफ़ी कुछ सॉलिड है और काफ़ी अच्छा खासा वेट भी इसका। और सेटअप करने के लिए आपको बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये ऑन करना है, इसके बाद आपको आपके फ़ोन में वन लैब कंपनी का ऐप डाउनलोड करना है। अभी इसमें सारे जो अपडेट्स वगैरह है आप इसमें डायरेक्टली सेटअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सेटअप करने के लिए यहाँ पर एक बारकोड दिया है, इसे आपको फ़ोन से स्कैन करना है और आप इसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। ये अपने टियागो है, बहुत दिनों के बाद वीडियो में फीचर कर रहे हैं। आइए, तो टियागो में इस डिवाइस को छुपाने के लिए, कोई भी गाड़ी में डिवाइस को छुपाने के लिए बहुत जगह है। उसमें से हम कुछ जगह आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहली जगह है, आइए, ये हमने इसका जो डोर है अभी खोल लिया है और यहाँ पर 36 नंबर लोकेशन होता है गाड़ी का, टियागो का। अभी यहाँ पर 36 नंबर का लोकेशन होता है ना, तो इसके अंदर का जो स्पेस है ना यहाँ पे चिपका दीजिए, किसी को समझेगा भी नहीं कि आपने इसमें कुछ इंस्टॉल किया है कि नहीं। सेकेंड थिंग, अगर आपको लगे कि भाई दरवाजे कोई प्रॉब्लम आएगा, तो ये देखिए अभी इसमें डोर जो है मैं क्लोज करूँगा, इसमें किसी को समझेगा भी नहीं कि यहाँ पर जीपीएस लगा हुआ है गाड़ी में। सेकेंड लोकेशन, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड टैंक के नीचे भी यहाँ पर चिपक सकता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये जो मटेरियल है इसका ये काफ़ी ज़्यादा रगेड है और हीट रेजिस्टेंट भी है, इस साइड में भी हम चिपका सकते हैं इसे ऐसे अंदर। अगर आपको और सिक्योरिटी चाहिए तो ये देखिए यहाँ पर स्पेयर व्हील बॉक्स है, तो स्पेयर व्हील बॉक्स में भी आप इसे रख सकते हैं, स्पेयर व्हील बॉक्स में चिपक जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। या बाहर से तो बहुत सारी जगहों पर छुपा सकते हैं, पर अंदर भी इसे बहुत सारी जगहों पर आप छुपा सकते हैं। सीट के नीचे भी आप इसे डाल सकते हैं आराम से, साथ ही साथ अगर कोई जगह है मतलब स्टीयरिंग के यहाँ पर नीचे भी जगह होती है वहाँ पर भी आप इसे चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। काफ़ी आराम से चिपक जाता है, देखिए गायब, किसी को समझेगा भी नहीं कुछ लगा है ऐसा, और बहुत अच्छे से चिपकता है। इसकी जो मैग्नेटिक पॉइंट्स इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना भाई, बहुत अच्छी ग्रिप बनाता है। अगर आपकी गाड़ी आप खुद नहीं चलाते, आपको कोई ड्राइवर या कोई भाई चलाता है, तो उनके गाड़ी में अगर ये लगा होगा तो आप उनकी स्पीड ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके कस्टमाइजेबल आइकॉन भी है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये जो है मैंने अभी गाड़ी का नाम डाला है और यहाँ पर नंबर डाल दिया है मैंने गाड़ी का। और ये देख सकते हैं बहुत सारे टाइप के आइकॉन्स है यहाँ पर, मतलब बाइक से लेकर यहाँ पर देख सकती है बाइक्स वगैरह बनी हुई है, साथ ही साथ ये कार है, आपकी कोई स्कूल बस है, टैंकर है, बस है, तो आपको बहुत सारे टाइप के आइकॉन दिखते हैं। और ये आइकॉन आपको कहाँ पर दिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए अभी ये मैप है ना अपना, अभी यहाँ पर जो मैप है ना आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैप पर मेरी गाड़ी का कलर येलो है तो मैंने येलो कलर रखा है। अगर आपको इसे बाइक में भी यूज़ करना होगा तो आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अभी ये पैशन प्रो है तो इसके बॉक्स के अंदर भी जगह होती है, वहाँ पर भी आप इसे आराम से लगा सकते हैं या इस बॉक्स के अंदर डाल लीजिए, कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली है। फिर ना मुझे एक बात याद आती है, अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होगी तो उनमें कुछ ऐसा बॉम्ब जैसा डिवाइस होता है और ऐसे चिपको फिर चले जाते हैं वो और गाड़ी ब्लास्ट होती है, तो ये जो है एकदम बिल्कुल वैसा लगता है, एकदम छोटा सा डिवाइस है, तो बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको किसी का ट्रैक करना होगा तो आप इसे बाहर भी चिपका दीजिए, वो जहाँ पर जाएगा किसी को पीछा करना होगा तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बिंदास कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है। और ये तो बात होगी पेट्रोल गाड़ी होगी, अभी आती है इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ। इस गाड़ी को तो आप जानते होंगे, ये है एथर 450X और इसमें कंपनी तरफ से इनबिल्ट जीपीएस फीचर होता है, पर उसके लिए भी हमें कुछ समय के बाद पे करना पड़ता है, जो एथर ओनर है वो उनको पता ही होगा।
इसका जो जीपीएस है वो अच्छे से काम तो करता ही है, पर साथ ही साथ अगर ये कभी काम ना करे तो इस डिवाइस को आप एज अ बैकअप डिवाइस के तौर पर गाड़ी में रख सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक जीपीएस डिवाइस नहीं है, एक वॉइस मॉनिटरिंग डिवाइस भी है, मतलब आप इसे दूर की आवाज़ भी बढ़िया से सुन सकते हो। आपको इसे यूज़ करना होगा तो यहाँ पर एक रबर का जो कवर दिया है, सील दिया है, इसे आप निकल सकते हो। और यहाँ पर एक सिम कार्ड आपको दिख रहा होगा, तो इस सिम कार्ड को आपको निकालना है और आपका फ़ोन जो होगा उसका सिम कार्ड आपको इसमें डालना है और उस नंबर पर आपको कॉल करना है। तो ये डिवाइस जब आपने अंदर रखा है तो इसके आजू बाजू में जो भी आवाज़ होगी आपको सुनाई देंगे। ये फीचर तब काम आता है जब आपके कोई ट्रस्ट इश्यूज होगी, मतलब कोई आपके ऊपर चीट कर रहा है या आपके बारे में कोई गलत बात कर रहा है, तो आप इसकी मदद से वो भी सुन सकते हैं। पर ये सिर्फ दोस्तों एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, आप इसका अच्छे से उपयोग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें स्पीड लिमिटिंग फीचर भी है, मतलब गाड़ी को अगर कोई मेरा दोस्त चला रहा है, कोई मेरे रिलेटिव चला रहा है, कोई मेरा भाई लेके गया है, तो वो अगर स्पीड को एक्सीड करता है, मतलब 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर आप इसमें लिमिट भी सेट कर सकते हैं ऐप में, तो उसकी मदद से आपको समझेगी कि भाई ये ओवर स्पीडिंग कर रहा है, तो आप उसे डायरेक्टली मतलब फ़ोन करके बता सकते कि भाई तू ओवर स्पीडिंग कर रहा है, गाड़ी को सेफली चला। इस डिवाइस की मदद से आपकी गाड़ी का जो लाइव सिस्टम है, लाइव अपडेट आपको मिलती रहता है हर वक्त। और बहुत ही रिमोट लोकेशंस भी हमने इसे टेस्टिंग किया, तो वहाँ पर भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मतलब गाड़ी में होते हुए भी इसने काफ़ी अच्छा रेंज दिया। हम एक दूसरे लोकेशन पे आए शूट करने के लिए, तो स्ट्रीट लोकेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई इसमें दिक्कत आती है। जीपीएस के टेस्टिंग के लिए अब हम जा रहे हैं नासिक से चालीसगांव। हमारे पास ये 1 लाख का जीपीएस डिवाइस भी है। अभी ये जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स का है। इसे मैं बैग में रख रहा हूँ, अभी पकड़ पाता है कि नहीं रेंज वगैरह, तो ये ऑन करके रख दिया मैंने। तो गाइस तो अभी हमने चांदोड़ क्रॉस किया है और यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूरेट लोकेशन दिखा रहा है, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी और एनालिटिक्स भी दिखा रहा है सब कुछ। इसमें क्या क्या डिस्टेंस कितना कवर किया है, रन टाइम कितना है, एवरेज स्पीड कितना है, आइडल टाइम कितना है, सब कुछ इसमें एनालिटिक्स मिलता है।